लास्ट वीक तक मुझे कभी भी चांस नहीं मिला था इस स्कूल को विज़िट करने का फ्रेंड्स दैट मीन्स जो नरेटर है वो एक स्कूल में गया था लास्ट वीक और वो स्कूल की हेड कौन है मिस बीन सो so, नरेटर ने उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था लेकिन पहली बार वो स्कूल के अंदर गया था तो अब जब वो स्कूल के अंदर गया उसे स्कूल कैसा लगा इसी चीज़ के ऊपर ये चैप्टर है वेन आई अराइव देअ वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट ट्वेल्व जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था सिर्फ़ एक लड़की नज़र आ रही थी जो करीब बारह साल की होगी हर आइज व कवर्ड विथ अ बैंडेज उसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी एंड शी वॉज बींगयरफुली बिटवीन द फ्ला बैड्स बाय अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट फोर ईयर्स यंगर और उस लड़की का हाथ एक लड़के ने पकड़ा हुआ था जो करीब उससे चार साल छोटा था और वो बहुत केयरफुली उसे फ्लावर बेड्स के बीच में से ले जा रहा था शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्ट हिम हु हैड कम वो चलते चलते रुकी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि उसने उस लड़के से पूछा हो कि कौन आया है ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर और मुझे ऐसा सीम हुआ मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो लड़का उस लड़की को मेरे बारे में बता रहा है देन दे पास डाउन फिर वो वहाँ से चले गए मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड मिडिल एज फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थीं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मैंने उम्मीद करी थी मिडिलज एक एज की लेडी फुल ऑफ अथॉरिटी जिनके पास स्कूल को चलाने की पूरी अथॉरिटी थी पावर थी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही काइंड थी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे मिस बीम सिंस एक एज लेडी थी तो अब उनकी एज की वजह से जो उनके हेयर्स थे वो ब्लैक से ग्रे टर्न होना शुरू हो चुके थे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड और उनका फिगर प्लम्प था प्लम्प मिस् थोड़ा सा मोटा था जो कि सूट करता है एक ऐसे बच्चे को जैसे अपने घर की याद आ रही हो I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. मैंने मिस बीम से कुछ क्वेश्चंस पूछे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में जिसके बारे में मैंने सुन रखा था कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं नो मोर देन इस नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग सिंपल स्पेलिंग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग नरेटर के क्वेश्चन का रिप्लाई मिस बीम ने क्या कहा कि वो बच्चों को केवल उतना ही सिखाती हैं जो ज़रूरी है उनके लिए किसी भी काम को करने के लिए जैसे कि सिंपल स्पेलिंग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम बाकी चीज़ें उन्हें सिर्फ पढ़ के सुनाई जाती हैं एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स और उनसे बातें करके इंटरेस्टिंग बातें करके उन्हें सिखाई जाती हैं ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल जब ये इंटरेस्टिंग टॉक चल रही होती हैं तब इन बच्चों को बहुत ही शांति से बैठना होता है एंड कीप देयर हैंड्स क्विट और अपने हाथों को भी शांत रखना होता है देअर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेस इसके अलावा इन बच्चों को और कोई लेसन नहीं पढ़ाया जाता द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच था टू टीच थानेस मिस बीम कहती हैं कि हमारे स्कूल का जो रियल एम है जो रियल मकसद है वो बच्चों को ये सिखाना नहीं है कि क्या सोचना है बल्कि उनमें सोचने की शक्ति को डेवलप करना है काइंडनेस टू अदर्स कि वो ये सोच सकें कि हमें दूसरों की तरफ काइंड होना है एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस और अपने देश के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएँ लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल क्या आप एक मिनट के लिए विंडो से बाहर देखेंगे आय वेंट टू दिनो विच ओवर लुकड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक फ्रेंड्स नरेटर कहते हैं कि मैं विंडो तक गया और मैंने देखा कि उस विंडो से मुझे एक बड़ा सा गार्डन नज़र आ रहा था जिसके पीछे की तरफ एक प्ले ग्राउंड था वॉट डू यू सी मिस बीम आस्ट मिस बीम ने मुझसे पूछा कि मुझे उस विंडो से क्या नज़र आ रहा है आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स आई सेट एंड लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन मुझे यहाँ से ब्यूटिफुल ग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही खुश हैं इट पेंट्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग लेकिन मुझे यह देख कर दुख हो रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये मुझे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं वेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बींग लेड अबाउट जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने देखा था कि एक बेचारी छोटी सी बच्ची को कोई हाथ पकड़ कर ले जा रहा था शी हैज़ with her आइज़ उसकी आँखों में कोई परेशानी थी नाउ आई कैन सी टू मोर with द सेम डिफ़िकल्टी और अब मैं जब इस विंडो से नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे दो और बच्चे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्हें वैसे ही कोई परेशानी है एंड girl अ गर्ल crutch अ क्रच others द अदर्स एट प्ले शी सीम्स a होपलेस क्रिपल और मैं एक लड़की को और देख पा रहा हूँ जिसने हाथ में क्रच पकड़ा हुआ है फ्रेंड्स क्रच यानी कि बैसाखी जिसे वो लोग पकड़ते हैं जो क्रिपल होते हैं जो चल नहीं पाते और वो जो बच्ची है वो बाकी बच्चों को खेलता हुआ देख रही है वो बच्ची चल नहीं सकती उसके हाथ में क्रच है शी सीम्स जोबीआ होपलेस क्रिपल ऐसा लग रहा है कि वो बच्ची क्रिपल है जिसका इलाज भी नहीं हो सकता मिस बीम लाव्ड ओ नो शी इज सेड शी इज़ नॉट रियली लेम दिस इज़ ओनली ह लेम डे द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईद इट इज ओनली दे अ ब्लाइंड डे मिस बीम ने जैसे ही मेरी बात सुनी वो हंसने लगी और उन्होंने कहा ओ नो वो लेम नहीं है लेम मीन्स वो लंगड़ी नहीं है दिस इज ओनली हर लेम डे आज तो केवल उसका लेम डे है और बाकी बच्चे भी ब्लाइंड नहीं हैं, अंधे नहीं हैं. आज उनका ब्लाइंड डे है आई मस्ट है फॉर शी लव अगेन नरेटर कहता है कि शायद मिस बीम की बात सुनकर मैं बहुत ही सरप्राइज लग रहा हूँ बिकॉज़ वो दोबारा से हंसती दिस इज़ अ वेरी important पार्ट ऑफ अवर सिस्टम ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्सा है टू मेक अवर children अप्रिशिएट एंड understand मिस फॉर्च्यून वी मेक दैम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू हमारे बच्चे ये समझ पाएँ कि मिस फॉर्च्यून क्या होता है बुरी किस्मत बैड लक क्या होता है हम उन्हें मिस फॉर्चून शेयर करने देते हैं ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे हर टर्म में हर बच्चे का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन वो ब्लाइंड होता है अंधा होता है वन लेम डे जिस दिन वो लंगड़ा बनता है वन डेफ डे जिस दिन वो बहरा बनता है वन इंजर्ड डे एक ऐसा दिन जिस दिन उसे चोट लगी हुई है एंड वन डम डे एक दिन ऐसा जिस दिन वो गंगा है कुछ नहीं बोल सकता ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आ बैंडेज एब्सल्यूटली जिस दिन वो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उस दिन उनकी आँखों को बैंडेज कर दिया जाता है पूरी तरीके से दैट मीन्स उन्हें ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप और वो बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि वो उस ब्लाइंड फोल्ड से पीप करने की झाँकने की कोशिश नहीं करेंगे द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड ये जो बैंडेज है ये बच्चों को रात को लगाई जाती है जिससे जब वो सुबह उठें तो वो ब्लाइंड बनकर ही उठें दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरी थिंग इसका मतलब है कि अब उन बच्चों को अपने हर काम के लिए किसी ना किसी की जरूरत होगी अदर चिल्ड्रन आर अगेविन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट बाकी बच्चों को ड्यूटी दी जाती है उनकी मदद करने की और उनको रास्ता दिखाने की दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स सो वो इन दोनों तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं जब वो ब्लाइंड होते हैं या हेल्पर्स बनते हैं तो वो इस तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं देयर इज नो माइजरी अबाउट इट मिस बीन कंटिन्यूड मिस बीम आगे कहती हैं कि इस चीज़ में कोई माइजरी नहीं है कोई डिफिकल्टी नहीं है एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समिंग ऑफ अ गेम हर कोई बहुत ही काइंड रहता है और ये किसी गेम के जैसा ही है बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रिलाइज वॉट मिस फॉर्च्यून इज़ और दिन के ख़त्म होते होते जो सबसे ज़्यादा थॉटलेस चाइल्ड होता है जो केयरलेस चाइल्ड होता है जो किसी की परवाह नहीं करता उसे भी इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है उसे भी ये चीज़ का एहसास हो जाता है कि मिस फॉर्च्यून बदकस्मती क्या होती है द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जाहिर सी बात है कि जो ब्लाइंड डे होगा वो सबसे बुरा दिन होता होगा लेकिन मुझे कुछ बच्चे बताते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल डम डे होता है जिस दिन उन्हें कुछ नहीं बोलना होता वी कैन नॉट बेंडेज द चिल्ड्रन्स माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर अब हम बच्चों के मुंह पर बेंडेज तो बांध नहीं सकते इसलिए उस दिन बच्चों को अपनी विल पावर अपनी इच्छा शक्ति को दिखाना होता है और खुद ही चुप रहने की कोशिश करनी होती है कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट आप मेरे साथ गार्डन में चलिए और ख़ुद ही देखिए कि बच्चे इस दिन के बारे में इन दिनों के बारे में क्या सोचते हैं मिस बीम लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स मिस बीम मुझे एक लड़की के पास लेकर गईं जिसकी आंखों पर बैंडेज बंधी हुई थी हेयर्स अ जेंटल मैन कम टू टॉक टू यू सेट मिस बीम एंड लेफ्ट अस मिस बीम ने उस लड़की से कहा यहाँ पर एक जेंटलमैन आए हुए हैं और वो तुमसे बात करना चाहते हैं और ये कहकर मिस बीम मुझे उसके पास छोड़कर चली गई डोंट यू एवर पीप आई आज तक गर्ल मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी भी इस बैंडेज से पीप करने की कोशिश नहीं करती ओ नो शी एक्सक्लेम्ड उसने कहा ओ oh नो no, मैं ऐसा नहीं करती दैट वुड बी चीटिंग ये तो चीटिंग करना हुआ बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना बुरा होता है इतना ऑफ होता है यू कॉन्ट सी अ थिंक आप एक भी चीज़ नहीं देख पाते यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट हर मोमेंट हर घड़ी आपको यही लगता रहता है कि अभी आप किसी चीज से बस टकरा ही जाएंगे इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू डाउन किसी जगह पर बैठ जाने में बहुत ही रिलीफ मिलता है क्योंकि आपके अंदर का ये जो डर होता है कि आप अभी किसी चीज़ से टकरा जाएंगे वो ख़त्म हो जाता है आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्ट मैंने उस लड़की से पूछा कि वो बच्चे जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं जिन्हें तुम्हारी मदद के लिए रखा गया है क्या वो तुम्हारे से काइंडली बिहेव कर रहे हैं फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी वेन इट इज़ माई टर्न हाँ काफ़ी हद तक लेकिन वो उतने केयरफुल नहीं हैं जितनी कि मैं होंगी जब मेरी टर्न होगी किसी की मदद करने की दोस्त दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स वो बच्चे जो ऑलरेडी ब्लाइंड बन चुके हैं वो बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छे हेल्पर साबित होते हैं इट्स परफेक्टली कास्टली नॉट टू सी आई विश यू ट्राई फ्रेंड्स कास्टली का मतलब होता है भयंकर तो वो लड़की कहती है कि बहुत ही भयंकर होता है कुछ भी ना देख पाना और वो लड़की कहती है कि मैं विश करती हूँ कि आप भी कोशिश करते ब्लाइंड बनकर आप भी देखते आप ही इस बात को महसूस करते कि ब्लाइंड बनकर कैसा लगता है शेल आई लीड यू एनी वे और आई आस्ट तो नरेटर ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें कहीं जाना है क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं? ओ येस शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक सो जब नरेटर ने उस लड़की से पूछा कि वो थोड़ा सा कहीं जाना पसंद करेगी तो उसने क्या रिप्लाई किया कि हाँ चलिए चलते हैं एक लिटिल वॉक के लिए ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स लेकिन एक शर्त पर कि आप मुझे आसपास जो चीज़ें होंगी उनके बारे में बताएंगे आई शैल बी सो ग्लैड वेन टूडे इज ओवर जब आज का दिन खत्म हो जाएगा तो मैं बहुत खुश होंगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस सो फ्रेंड्स वो लड़की कह रही है कि बाकी सारे दिन जिस दिन हमें हैंडी कैप्ट होना पड़ता है वो सारे दिन इतने भी बुरे नहीं होंगे या वो दिन केवल इसके मुकाबले आधे ही बुरे होंगे हैविंग अ लेग टाइट अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि जब आपका एक पैर बांध दिया जाता है और आप इधर से उधर हॉप कर रहे होते हैं एक क्रच की मदद से तो ऐसा करने में बहुत मज़ा आता होगा हैविंग एन आर्म टाइट अप इज़ अ बिट मोर ट्रबल सम बिकॉज़ यू कॉन्ट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट एक पैर के मुकाबले आपके एक हाथ को बांध देना एक आम को बांध देना शायद मुश्किल होता होगा बिकॉज उस केस में आप किसी की मदद के बिना नहीं खा सकते हैं और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें भी नहीं कर सकते हैं आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डेफ फॉर आ डे एटलीस्ट नॉट मच मुझे नहीं लगता कि एक दिन जब मैं डेफ होंगी सिर्फ एक दिन के लिए वो चीज़ मुझे इतनी परेशान करेगी जितना कि ये ब्लाइंड होना मुझे परेशान कर रहा है बट बींग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग बिकॉज ब्लाइंड होना बहुत ही डरावना है भयंकर है माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वर्ंग डेट आई विल गेट हर्ट मैं हमेशा वरी करती रहती हूँ कि मुझे चोट लग सकती है इस वजह से मेरे सिर में हमेशा दर्द रहता है वेयर आर वी नाउ अब हम कहाँ पर आ चुके हैं इन द प्ले ग्राउंड आई सेट मैंने उसे बताया कि हम प्ले ग्राउंड में आ चुके हैं वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस और हम घर की तरफ वॉक कर रहे हैं मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल और मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में वॉक कर रही हैं वॉट इज द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्ट मेरी उस छोटी सी दोस्त ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज मैंने उसे बताया कि उसने एक ब्लू कलर की कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है और एक पिंक कलर का टॉप पहना हुआ है आई थिंक इट्स मिली मुझे लगता है कि वो मिली है शी सेट वॉट कलर इज हर हेयर उसके बालों का रंग क्या है वेरी लाइट आई सेट बहुत ही हल्के रंग के उसके बाल हैं येस डैट्स मिली इज़ द हेड गर्ल हाँ वो मिली ही है और वो हमारी हेड गर्ल है देअर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेट और मैंने कहा कि वहाँ पर एक ओल्ड आदमी भी है और वो रोजेस को बांध रहा है यस दैट्स पीटर ही इज द गार्डनर हाँ वो पीटर है और वो गार्डनर है। ही इज हंड्रेड of years ओल्ड वो हंड्रेड इयर्स ओल्ड हैं एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर शीज ऑन crutches. और सामने से एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली रेड हेयर्स हैं और उसके हाथ में क्रचेज है दैट्स अनीता, शी सेड उसने मुझे बताया कि वो लड़की अनीता है एंड सो वी वॉकड ऑन और ऐसे हम आगे चलते रहे ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज टेन टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी फ्रेंड्स नरेटर कहता है कि स्लोली मैंने ये डिस्कवर करा कि मैं टेन टाइम्स ज़्यादा थॉटफुल हूँ जो मैं सोचता था कि मैं हूँ उससे दैट मीन्स नरेटर कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतना थॉटफुल पर्सन हूँ मैं दूसरों के बारे में इतना सोच सकता हूँ आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ करी मुझे इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि अगर मुझे दूसरे लोगों को कोई चीज़ डिस्क्राइब करके बतानी है या किसी इंसान को डिस्क्राइब करके बताना है तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जितनी कि शायद वो पहले मुझे नहीं लगी थी वेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो फिर जब मेरा वहाँ से जाने का टाइम आ गया तो मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे बहुत दुख है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है अ शी रिप्लाइड दैन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल जैसे सुनकर मिस बीम ने कहा इसका मतलब है कि मेरे एजुकेशन सिस्टम में वाकई कोई चीज़ है जो डिफरेंट है और जो अच्छी है फ्रेंड्स विद दिस आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा प्लीज़ डू मैंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय